शहर के एक होटल में बीती रात पुलिस ने जुआ खेलते हुए जब आधा दर्जन जुआड़ियों को गिरफ्तार किया तो एकाएक शक की सुई होटल मालिक व व्यापारी नेता मनोज जैन, जो कि भाजपा के एक बल नेता भी हैं, उन पर गई। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने जानकारी लेने के बाद जवाब देने की बात कही। आज इसी संबंध में उन्होंने होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर पत्रकारों से बात की। पत्रकारों से बात करते हुए मनोज जैन ने कहा कि इस घटना में मेरी व पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, यह एक साजिश है उन्हें बदनाम करने की, जिसकी जांच होनी चाहिए। कि जो है कुछ लोगों को पुलिस ले जाने के बाद मैंने पूछा कि भाई कारण क्या है, तो कहे हैं जुआ खेल रहे थे। तो मैंने कहा सर आप इनको ले जाइए और ले जाके अपने हिसाब से अपने की कार्रवाई की, इसमें मेरा या होटल का व्यवसाय का क्या दोष है, या मैंने कभी इस तरह के प्रयास कभी किए हो, आप लोगों की जानकारी में कभी कुछ किया हो तो आप मुझे बताइए। लेकिन इस प्रकरण को न्यो मुद्दा बनाना, न्यो यू टर्न देना और उसको मेरी छवि खराब करने के हिसाब से करना, ये मेरे मन को बहुत आहत। मनोज जैन के अनुसार घटना के एक दिन पहले यानी 4 जुलाई को शहर के खुटला मोहल्ला निवासी मोहम्मद अयूब पुत्र यूनुस ने होटल के कमरा नंबर 104 व 109 को यह कहकर बुक कराया था कि उसके रिश्तेदार आ रहे हैं जो इसमें रुकेंगे। चूंकि कल रात में होटल में एक फंक्शन भी था जिसमें तमाम लोगों का आना जाना लगा रहा और होटल के कमरों में क्या हो रहा है किसी को क्या पता, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे तो सिर्फ होटल परिसर को ही कवर कर सकते हैं। हमको नहीं जानकारी, हम लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं है। वहाँ पर रुपए मिले, गड्डी मिली, मिली कि नहीं मिली? नहीं, रुपए मैंने देखा कि कुछ बांधे हुए थे उसमें, एक कपड़े में कुछ बांधे हुए थे, उसमें क्या था वो हमने नहीं देखा। संभवतः पहली बार लिया हमारे उनके मुताबिक बता रहे हैं, पहली बार नहीं, कई बार आ चुके हैं। इतने लड़के एक कमरे में आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या आपके जो होटल मैनेजमेंट ने ये भी नहीं गौर किया कितने लड़के एक कमरे में? क्या कमरे दो कमरे लिए थे उन्होंने, उन्होंने दो कमरे लिए थे और एक दिन पहले के लिए हुए थे कि भाई हमारे घर पे शादी फंक्शन वगैरह जिसमे मेरे मेहमान आ रहे हैं उनके लिए कमरा उनको बकायदा है। मनोज जैन ने आशंका जताई कि यह एक षड्यंत्र है क्योंकि होटल के स्टाफ को सूचना नहीं थी कि यहाँ जुआ खेला जा रहा है, तो पुलिस को सूचना कैसे मिली? प्रतिष्ठान में व्यक्ति को यह जानकारी नहीं कि वो लोग कर क्या रहे हैं और न ही कभी हम लोगों ने ऐसा प्रयास किया कि चूंकि किसी की प्राइवेसी भंग करना होटल के नियम के विरुद्ध है। इन सब के बावजूद उसमें जब शाम को पुलिस आती है और वो कमरा खुलवा के पुलिस पकड़ती है, मेरे बेटे मैं बाहर था शहर में ही, मेरे बेटे द्वारा बताया जाता है कि पुलिस बल आया हुआ है और क्यों आया है हमको नहीं मालूम है, आप आ जाइए।